नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। आज हम आपको बताने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर प्री अप्रूव पर्सनल लोन, प्री अप्रूव आपका लिमिट इंक्रीज का ऑफर शायद आपको अब कम आएगा। क्यों आएगा, चलिए बताने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे रीजन सामने आया है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, और ये जो कार्ड यूजर हैं, जो लोन ले रहे हैं, इन लोग की गलती की वजह से जो सही पर्सन है उनको भी दिक्कत होगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सो यहाँ पे आपको पता है कि दिन पे दिन लोगों को लोन क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, बैंक के लोन क्रेडिट कार्ड दे रही है प्री अप्रूव ऑफर, और प्री अप्रूव ऑफर को लोग मजाक में लेते हैं। किसी को लोन ऑफर मिल गया, प्री अप्रूव ऑफर मिल गया, बड़े अमाउंट का मिल गया, वो पैसा लोग ले लेते हैं, बड़े भाव से लेते हैं, ये तो हमको बैंक ने प्री अप्रूव ऑफर दिया है। और जब पेमेंट करने की टाइम आती है तो लोग पेमेंट थोड़ा मोड़ा करते हैं, बाकी पैसा पेमेंट करते नहीं है, और वो पैसा को भूल जाते हैं, बोलते हैं बैंक हमको फ्री में दिया था, प्री अप्रूव ऑफर दिया था। यहाँ दोस्तों इतना अधिक बैंकों का एनपीए होता जा रहा है। अभी आपने 2022 में रिपोर्ट देखा था, 4000 करोड़ प्लस एनपीए कार्ड का डिफॉल्ट पेमेंट हुआ था। यहाँ पे लोन की बात करूं तो लोन कैटेगरी में काफी ज्यादा पेमेंट हाई हो चुका है। यहाँ दोस्तों लोग जो है पेमेंट, जो अनसिक्योर लोन की मैं बात कर रहा हूं कि अनसिक्योर में कैटेगरी में प्री अप्रूव लोन क्रेडिट कार्ड लोगों को दिया जा रहा है, और लोग दोस्तों काफी हद तक पेमेंट को डिफॉल्ट कर जा रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अब बैंक जो है ऐसे लोगों को प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड लोन देगी जिनकी प्रोफाइल काफी बढ़िया है, मतलब कि जिनका एक अच्छा रिकॉर्ड हो, मतलब कि जिनका साल दो साल में तीन साल में एक बढ़िया रिकॉर्ड हो, उनके सामने प्री अप्रूव लोन क्रेडिट कार्ड के लिए पेश किया जाएगा। बाकी अब ऐसे लोगों को लोन और क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव इसलिए शायद बहुत कम चांस मिले, क्योंकि यहां पे बैंक जो है अब आपकी प्रोफाइल काफी हद तक चेक करेगी, अच्छे से जांच करेगी, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आरबीआई बहुत कड़ा सख्त एक्शन लेते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ रहे हैं। रीजन यहाँ पे ये है कि आज के टाइम में लोग अनसिक्योर लोन सबसे अधिक ले रहे हैं, अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड लोग सबसे अधिक ले रहे हैं, और लेने के बाद अगर उनके पास पैसे नहीं है तो कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, प्री अप्रूव लोन ले ले रहे हैं, खर्च कर दे रहे हैं, उनको पैसा उनके पेमेंट करने के लिए नहीं है तो नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक अच्छी प्रोफाइल अब लोगों की जिनकी होगी, जो अच्छे प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, जो अपने प्रोफाइल को मेंटेनेंस किए हैं, उनके लिए ऑफर का ज़्यादा उम्मीद रहेगा। आप देख रहे हैं काफ़ी टाइम से कुछ लोगों को शिकायत आ रहा है कि हमको ऑफर बैंक नहीं दे रहा है, मैं काफी टाइम से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, काफी टाइम से मैं अपने सिल को मेंटेनेंस किया हूं। तो अब बैंक जो है एक अच्छे पर्सन को, एक अच्छे प्रोफाइल हिस्ट्री को अलग करेगा, और जिनका लो कैटेगरी को अलग करेगा, क्योंकि बैंक के अब समझ चुकी हैं इस चीज को लेकर। तो यहां पे सो बैंक ने सिस्टम को भी सुधार कर रही है, और यहां पे जो लोग बोल रहे थे कि हमको लोन का ऑफर नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके प्रोफाइल में कोई गलती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब एक जेन्युइन पर्सन को ही प्री अप्रूव लोन क्रेडिट कार्ड मिलेगा, जो लोग थोड़ी मोड़ी गलती किए हैं उनको नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं हो क्यों रहा है। तो सर यहाँ पे रीजन ए है कि आज के टाइम की बात करूं तो लोग जो है लोन को, क्रेडिट कार्ड को एक मजाक बना लिए हैं, मतलब कि अगर उनके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसको पैसा ओनली कैशलेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा निकाला एड बनी किया, लोन मिल जा रहा है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं तो बड़े आराम से, पे करने का कोई चिंता है ही नहीं। अगर उनको लोन का ऑफर 4 लाख का रुपए का आ गया, उनको जरूरत नहीं है तब भी लोन ले लेते हैं, चलो यार काम देगा, कुछ महीने पे किया पेमेंट नहीं है बैठ गए। तो ये चीजें अब बैंक कड़ा एक्शन और सख्त कार्रवाई कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो है NESL की तरफ से अब सारे बैंक के लिंक कर रहे हैं आपका डेटा, अब शायद जो है आप दिक्कत में आओगे अगर आप पेमेंट भी नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी जाँच खुद ही NESL की ऑफिशियल टीम करेगी, आपका प्रॉब्लम जेन्युइन है या फेक है या क्या है सारी चीज पता चल जाएगा। तो अब दोस्तों आपको इतना कहूंगा लास्ट में कि अपनी प्रोफाइल बढ़िया बनाए, कोई डिफॉल्ट ना करें, और हो सके तो जितना हो सके अपने क्रेडिट स्कोर को अच्छा लेवल तक बना के रखें, और किसी भी फर्जी एजेंट के कॉल के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। ये मैं आपको रियलिटी बताया हूं, और ये चीजें अब आपको देखने को मिलेगा 2024-25 तक, आपको बहुत अधिक ये नियम बदल जाएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, आप बताना जो मैंने कहा सही कहा, आप रिएक्ट कमेंट में जरूर देना। फिर मिलते हैं नेहरू साहब, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।